हेलो, आज मैं आपको सेल्फ टॉक यानी कि स्व संवाद इसके बारे में बताने वाला हूं। हमें दो मन है, एक है बाह्य मन, एक है अंतर मन, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन अचेतन मन। होता क्या है कि हमारा जो अंदरून मन है, अंतर मन जो है, वो कंटिन्यूअसली हमारे से बातचीत करता है। मतलब मेरा ही मन मेरे से बातचीत करता है और ये मुझे मालूम भी नहीं है कि वो मेरे से बातचीत कर रहा है। एक्चुअली वो कंटिन्यूअसली 2400 घंटे मेरे से बातचीत कर रहा है, मुझसे बोल रहा है और मुझे चला रहा है। वो जो अंतर मन है, उसका जो सेल्फ टॉक है, स्व संवाद जो है, वो मोस्टली निगेटिव है और मैं उसको प्रेजेंट भी नहीं हूं। मुझे मालूम भी नहीं कि वो चालू है करके, मैं उसको प्रस्तुत भी नहीं हूं कि वो चालू है। वो ये बोल सकता, ये बोलते रहता है कि मैं क्या कर सकता हूं या क्या नहीं कर सकता हूं, क्या संभव है क्या असंभव है, क्या मुझे पॉसिबल है क्या मुझे पॉसिबल नहीं है। तो ये कंटिन्यूअसली दिमाग में चैटर चालू रहती है 2400 घंटे सातों दिन। ये कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली ये मेरी मेरे से बातचीत चालू रहती है। हम जब सोते हैं तभी भी चालू रहती है और हमको सपने दिखते हैं। तो ये जो बातचीत है, इसको मैं प्रस्तुत नहीं हूं कि ये चालू है। मतलब मैं जब किसी को सुन रहा हूं, किसी को देख रहा हूं, कोई प्रसंग में हूं, कोई वातावरण में हूं, कोई सिचुएशन में हूं, तो मैं बोल नहीं रहा हूं बाहर किसी से, तभी भी मैं मेरे से बातचीत कर रहा हूं। तभी देखो, मेरे से मैं बातचीत कर रहा हूं और समझो सामने से कोई मेरे से बातचीत कर रहा है। अभी मैं मेरी आवाज भी सुन रहा हूं अंदर से और सामने वाले की भी आवाज सुन रहा हूं। अभी होता क्या है कि मेरी आवाज और सामने वाले की आवाज, ये दोनों में से एक तीसरा ही आवाज निकलता है जो मुझे सुनाई देता है। इसका ही मतलब जो सामने वाला बोल रहा है वो मैं सुनता नहीं हूं, मुझे जो सुनने का है वो मैं सुनता हूं, या मुझे जो सुनाई आया वो मैं सुनता हूं। क्योंकि जो अंदरून आवाज जो चालू है, वो जो भी मैं एक्चुअली बाहर से सुन रहा हूं उसको प्रभावित करती है। उसको प्रभावित करके उसमें से कुछ निकाल देंगी, कुछ बातें निकाल देंगी, कुछ बातें उसमें जमा कर लेंगी, कुछ उसको ट्विस्ट करेंगी, तोड़ मरोड़ देंगी और फिर वो अंदर आएंगी और मेरे दिमाग में, अव्यक्त मन में या अचेतन मन में वो वहां जाके बैठ जाएंगी और वो मेरा एक विचार करके बैठेंगे वहां। अभी होता क्या है कि ये कंटिन्यूसली निगेटिव है। मतलब 50,000 से 60,000 थॉट्स कंटिन्यूसली दिमाग में आते रहते, विचार आते रहते और मैं मेरे से बातचीत करते रहता हूं। ये मोस्टली निगेटिव है और वो जो है वो मुझे कुछ करने ही देते नहीं है। मतलब मैंने कुछ करने के लिए सोचा कि मुझे कुछ करना है, ये प्लान बनाने का है या ऐसा ऐसा करने का है, कुछ किससे बातचीत करने की है, कुछ तो भी करके बताने का है, तुरंत अंदर से आवाज आएंगी कि यह संभव नहीं है, ये होता नहीं, लोग मुझे सपोर्ट करते नहीं, लोग मेरी तारीफ करेंगे नहीं, लोग मुझे दोष देंगे, फिर लोग मेरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहकार्य नहीं करेंगे, लोग मेरा अपोज करेंगे, नहीं वातावरण में यह संभव नहीं है, मार्केट टाइट है, मुझे यश मिलेगा नहीं। कंटिन्यूअसली तुरंत जैसा मैंने कुछ सोचा वैसे तुरंत अंदर से आवाज आना चालू हो जाएगा। ये मेरी अंतर्मन की आवाज है, ये मेरी अंदर की आवाज जो है वो है। और हम बोलते हैं अंदर की आवाज क्या बोलती है वो सुनो। अंदर की आवाज क्या बोलने वाली है? अंदर की आवाज हरदम निगेटिव बोलने वाली है, नकारात्मक बोलने वाली है, वो कुछ अच्छा बोलने वाली है नहीं। अभी हमको क्या करना है? हमको ये करना है कि भाई मैं जो बोल रहा हूं वो करने का है, बोल रहा हूं वो करने का है, ना कि अंदर की आवाज का सुनने का है। जैसा भी मैं सुबह, मुझे रात को सोने के समय मैं सोचता हूं कि सुबह उठना और मुझे सवेरे सुबह 6 बजे उठ के मुझे एक्सरसाइज करने की है, कसरत करने की है, और सवेरे मैं 6:45 का अलार्म लगाया हुआ है और मैं 6:45 का अलार्म लगा के रात को सोता हूं, 6:45 का अलार्म समझो मैंने लगाया होगा, तो 6:45 के पहले ही वो आवाज जो है, सेल्फ टॉक जो है, वो चालू हो जाएंगी। जैसा ही अलार्म बजेगा वो सेल्फ टॉक मेरे से बातें करना चालू करेंगी।
बोलेंगे बेटा आज मत जा, आज नहीं गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, आज एक्सरसाइज नहीं किया तो ऐसा कौन सा बड़ा आसमान नीचे गिरने वाला है, आज मत जा क्योंकि वैसे भी रात को तू सोया बहुत लेट, नींद हुई नहीं है, फिर दिन भर तो बहुत काम करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि आज जरा थोड़ा सा रेस्ट ले ले, आराम कर, फिर कल से हम चालू करेंगे। ऐसा बोल के मैं अलार्म जो है वो 5:45 का 6 बजे करता हूँ या 6 का 7 बजे करता हूँ और 7:30 8 बजे उठ जाता हूँ। आप कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, तो उसमें आपको निगेटिव आवाज, अंदर की आवाज सुनाई आएंगी और वो ना बोलेंगी, कभी पॉजिटिव होंगी नहीं। और वो हरदम जो है वो आपको क्या संभव है क्या संभव नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, फिर लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोगों को कैसा लगेगा, फिर लोग मुझे अच्छा बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं तो वो कैसे देख रहे हैं, ऐसा होता है। वैसे कोई भी व्यक्ति सामने आता है तो मैं वो व्यक्ति के बारे में पूर्वग्रह दूषित ही सोचता हूं। जैसा कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाएगा, अभी वो व्यक्ति ने बोलने के लिए मुंह खोलना है उसके पहले ही उसके बारे में दिमाग में चैटर चालू हो जाएंगी, ये क्या बोलने वाला है क्या नहीं बोलने वाला है, मैं उसको हाँ बोलू या ना बोलू, अभी उसने तो मुंह भी खोला नहीं। सासू माँ क्या बोलने वाली है ये बहू को पहले से मालूम रहता है उसने बोलने के पहले। अब ये जब हरदम के लिए हमेशा के लिए मौजूद जो आवाज है अंदर, और वो हमेशा के लिए मौजूद आवाज जो है वो मुझे बहुत परिणाम कर रही है मेरे बिहेवियर में, तो मुझे क्या संभव है कुछ भी करना, क्योंकि मैं होता क्या है कि मुझे लगता है कि वो मैं हूं, मुझे आवाज अंदर की है ना वो मैं हूं, एक्चुअली वो मैं नहीं हूं, वो मेरे अंदर की आवाज है, वो अंतर्मन की आवाज है, वो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं कि मैं जो बोल रहा हूं कि मुझे जो करना है, मैंने जो घोषित किया है, मैंने जो डिसाइड किया है, मैंने जो शब्द दिया है, मैंने जो प्लान बनाया है वो मैं हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं हूं, क्योंकि अंदर की आवाज तो हरदम निगेटिव बोलने वाली है, फिर तो कुछ संभव ही नहीं है। तो मुझे इतना ही करना है कि मेरे शब्द को मैंने मान देना चाहिए, मेरे शब्द का मैंने मान करना चाहिए, मेरे शब्द को मान देकर जो भी मैंने तय किया हुआ है, जो भी मैंने शब्द मुझे दिया है या जो भी मैंने शब्द लोगों को दिया है उसका पालन करना है, और उसका पालन करके अंदर से कुछ भी आवाज आए वो नहीं करने का। अभी मुझे हम ठहराते हैं कि नहीं नहीं अभी मैं चाय नहीं पीऊंगा, नहीं क्योंकि चाय मेरे सेहत के लिए अच्छी नहीं है, या मीठा नहीं खाऊंगा सेहत के लिए अच्छी नहीं है, मीठा खाना अच्छा नहीं है। अब होता क्या है कि मैंने ठहरा लिया ये, अब होता क्या है कि एक्चुअली जब चाय पीने का टाइम आ जाता है या कोई चाय ऑफर करता है या मीठा कोई ऑफर करता है या खाने में मीठा आ जाता है, तो ऑटोमेटिकली मैं वो मीठा खा लूंगा या चाय पी लूंगा। क्यों? उस समय विचार आएगा क्या फर्क पड़ता है, आज के दिन चाय पी लो, क्या फर्क पड़ता है आज के दिन मीठा खा लो, ऐसा कौन सा डायबिटीज है, कुछ नहीं होगा, एक आधी गोली ज्यादा की और खा लेंगे। फिर चला था कौन मेरी जिंदगी, मेरी जिंदगी चला रही वो आवाज अंदर का संवाद, कि जो स्वसंवाद कंटिन्यूसली ऑनगोइंगली मुझे कंट्रोल कर रहा है, वो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, ना मैं उसको चालू कर सकता हूं ना उसको बंद कर सकता हूं, वो मेरे कंट्रोल में है नहीं। फिर करना क्या है, करना यही है कि जो भी आवाज अंदर से आ रही है उसके तरफ ध्यान देने का नहीं, वो बोलना कि वो अंदर की आवाज है उसको बाजू में रखने का है दिमाग में, और जो मेरे सामने है, जो मैंने घोषित किया है, जो मैंने बोला हुआ है, जो मैंने ठहरा हुआ है, वही करने का है। अंदर की आवाज कुछ भी बोलेंगे तभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ जीना संभव है। तो आज से आप यदि ऐसा करते हो कि जो भी आपने घोषित किया है, जो भी आपने बोला है, जो भी आपने किसको शब्द दिया हुआ है वो करने का है, ना कि फिर जो अंदरून कुछ भी आवाज आए वो करना, तो वो बिल्कुल करने का नहीं है। अपने शब्द का मान मैंने खुद ने रखना है, क्योंकि मैं मेरे शब्द का मान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, मैंने मेरे शब्द को मान दिया नहीं तो और कैसे मान देंगे। तो आज से मैं मेरे शब्द को मान सम्मान दूंगा, मैं जो बोल रहा हूं वो करूंगा और उससे मेरी लाइफ चलेगी। तो ये आप करते हो तो डेफिनेटली मुझे पक्का विश्वास है कि निश्चित रूप से आप अपने लाइफ में बहुत ही ऊंचाई पे चले जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। आप ये जो मेरा YouTube चैनल है उसको आप शेयर कर सकते हैं, ये वीडियो भी आप शेयर कर सकते हैं, और जितने लोगों को ज़्यादा शेयर करेंगे आप उतना अच्छा है।
ताकि लोगों को इसके बारे में मालूम हो और लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।